हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा 5 ओरिजिन में भाई। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एस्केप। जी हाँ भाई, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर एस्केप करेंगे भाई ग्रैनी ग्रैंडपा के हाउस से। तो चलो भाई, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करना है भाई आप लोग? कुछ नहीं करना भाई, सब्सक्राइब कर देना है और मेरे वीडियो को लाइक कर देना भाई। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, आज हम लोग करना है ट्रांसफॉर्मर एस्केप। चलो अपना गेम स्टार्ट करते हैं अब। तो भाई फिर से आ गया है बच्चा ग्रैनी ग्रैंडपा के घर के अंदर भाई। ये कब्रिस्तान वाला एरिया है भाई, और यहाँ से निकलेगी एक खूंखार ग्रैनी। तो भाई ग्रैनी की एंट्री हो गई है। चलो भाई, तो ग्रैनी की एंट्री हो गई, तो अब हम लोग अभी अपना गेम स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलो, ये लोकेशन है जहाँ से हम लोगों ने रोप एस्केप किया था भाई, और यहीं से हम लोग ट्रांसफॉर्मर एस्केप भी करेंगे भाई। क्यों? तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर मुझे चाहिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रिक कॉइल ट्रांसफार्मर एस्केप करने के लिए भाई, और एक चाहिए रेंच। तो ये चीज़ आइटम्स हम मुझे कंपलसरी है भाई एस्केप करने के लिए ट्रांसफार्मर एस्केप। तो चलो ठीक है, मुझे 3 इलेक्ट्रिक कॉइल और एक रेंच चाहिए भाई। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इन तीन चारों चीज़ों को फाइंड करने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे भाई। लगता है एक्स, हैमर, क्रोबार, शॉवेल और ना पता नहीं क्या क्या भाई, कितने तरह के कीज ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो भाई, अपना काम हम लोग स्टार्ट कर दिया है भाई, ढूंढते हैं सभी आइटम्स को। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए भाई, तो एनर्जी ड्रिंक मैं लेकर क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं फटाफट ढूंढता हूं भाई, बहुत सारे आइटम्स ढूंढने हैं मुझे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल भी है, उसका भी रेंच से खोलना है स्क्रू को भाई। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे आइटम्स ढूंढने भाई, और ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो ये एक एक आइटम मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा भाई, कौन कहाँ पर आइटम छुपा कर रखा रहता है भाई, वो पता नहीं। तो चलो अपना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा भाई, थोड़ा स्पीड में, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करना है यार। आप लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बोर करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो बनाएं भाई, लेकिन भाई कंप्लीट गेम तो बनाएं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं मुझे लग रहा है कि मिलने वाला भाई। ये है जनरेटर, यहाँ से जनरेटर से इसमें पानी भरा हुआ है, तो जैसे मैं जनरेटर को ऑन करूँगा, यहाँ से सारा पानी निकल के उस तरफ चला जाएगा भाई। तो ठीक है, तो ये जनरेटर को ऑन करने के लिए मुझे चाहिए गैसोलीन। तो भाई गैसोलीन चाहिए भाई जनरेटर को ऑन करने, ताकि वहाँ अंदर से सारा पानी निकल के बाहर आ जाए भाई, और मैं अपना जाके अंदर में काम कर सकूं। तो चलो ठीक है भाई, मुझे गैसोलीन भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, हैमर भी चाहिए, क्रोबार भी चाहिए, शॉवेल भी चाहिए और कीज़ भी चाहिए भाई। तो चलो ठीक है, इसके अंदर अबे एक कीज़ तो मिला भाई मुझे। चलो भाई, फाइनली मुझे घर के अंदर जाने का की मिल गया है, और अभी तक तो कोई आइटम्स नहीं मिला है भाई, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी की मिला है मुझे, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे आइटम्स ढूंढने हैं। क्यों भाई? क्योंकि अभी ग्राउंड में मैंने आधे ग्राउंड चेक किया है, अभी पूरा ग्राउंड चेक करना है मुझे। एक बार अच्छे से रूम को चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं अभी दोबारा इस रूम में नहीं आने वाला हूँ भाई, इसलिए एक बार अच्छे से मैं इस रूम को देख लिया हूँ। चलो ठीक है, अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से बाहर। और यहाँ पर शायद नहीं यार, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो फटाफट और एरिया को भी एक्सप्लोर करना है भाई, चलो जल्दी करते हैं भाई, क्योंकि गेम ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। अब फटाफट किस तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, इस तरफ एक बार देख लेता हूँ यहाँ से शायद मुझको। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यार इतने सारे कब्रिस्तान, मतलब कब्र हैं यार, कहाँ पर कौन सा आइटम छिपा रहता है कुछ पता नहीं भाई। तो चलो इसमें देख लेते हैं, इस घर में एक बार देख लेता हूँ भाई, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हो सकता है शायद, यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार, हद हो गया। ये ग्राउंड में कुछ है भी कि नहीं है पता नहीं यार। अबे क्या करूँ मैं, अभी ये कब्रिस्तान, अभी ये कब्र को मुझे शॉवल से खोदना है भाई, लेकिन मुझे उसके लिए शॉवल तो चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, चलो ठीक है, इसके अंदर देख लेता हूँ। यहाँ पर हो सकता है, अभी एनर्जी ड्रिंक क्यों मिल रहा है बार बार बार।
अबे ग्रैंडपा मेरे पीछे पड़ा हुआ यार, चलो फटाफट भागते हैं यहाँ से। मुझे अरे ऊपर में भी तो देख चेक करना है, ऊपर में भी कुछ खुदा हुआ कब्र रहता है भाई, उसको देख लेता हूँ एक बार पहले। चलो यहाँ पर शायद कुछ मिल सकता है मुझको, यहाँ पर उससे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है हर बार। तो चलो यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर कुछ नहीं है। रोप एस्केप किया तो अभी यहाँ पर कुछ मिला था भाई, और कार एस्केप किया तब भी यहाँ पर कुछ मिला था, लेकिन अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलो फटाफट अब चलते हैं ऊपर भाई, वो क्या कहते हैं टीन के ऊपर भी तो जाना है मुझको। चलो एक बार देख लेते हैं ऊपर से, यहाँ पर शायद कुछ मिल जाए। नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं यार, ग्रैनी ग्रैंडपा का ग्राउंड पूरा खाली हो रहा। चलो इसके ऊपर चल के देख लेते हैं भाई एक बार, यहाँ से शायद मुझे कुछ दिख जाए, कुछ काम का चीज़ मिल जाए भाई, पता नहीं। यहाँ पर अबे यार यहाँ पर भी आना वेस्ट हो गया यार, अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ सीधे घर के अंदर भाई, क्योंकि ग्राउंड मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, कोई आइटम भी नहीं है। चलो फटाफट चलते हैं इधर से जाऊँगा भाई, कुछ भी नहीं यार, पूरा की पूरा ग्राउंड खाली है, एक आइटम भी मुझको नहीं मिला है ग्राउंड से। चलो फटाफट अब इसको लॉक को ओपन करो, इधर का लॉक को भी ओपन करना पड़ेगा, और भाई घर के अंदर जाना है, क्योंकि घर के अंदर में भी भाई बहुत सारे ड्रावर है, एक एक ड्रावर को चेक करना पड़ेगा भाई। चलो इस चीज़ को फेंको, एक ही का काम ख़त्म हो गया मेरा। अब यहाँ पर भाई एक एक करके मुझे सारे ड्रावर को ओपन करना है और देखना है भाई, कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए भाई, काम वाला चीज़, बिना काम वाला नहीं। यहाँ पर वो रूम का की नहीं चाहिए भाई मुझको, क्योंकि मुझे कार एस्केप नहीं करना है। चलो ठीक है, इधर से देखते हैं इसमें भी यार, ये ड्रावर सही में यार, आज तक मुझे इस ड्रावर से सिर्फ की के अलावा कुछ नहीं मिलता है भाई, वेस्ट, इसको मुझे चेक करना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैंने देख लिया तो देख लिया, अब ये लास्ट है। तो चलो भाई फाइनली मैंने सारे ड्रावर चेक कर लिए हैं, टेबल के अंदर भी कुछ नहीं है, सोफ़ा के नीचे भी कुछ भी नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पे आना मेरा वेस्ट हो गया है, और यहाँ पे भाई नहीं, ये कांटी नहीं चाहिए मुझको। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दो तीन रूम है उसको भी देख लेते हैं भाई, ये रूम नहीं है वाशरूम है। चलो भाई वाशरूम के अंदर में भी दो ड्रावर है, इसको भी चेक कर लेते हैं, एक ड्रावर है नहीं भाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है मुझको, टोटली वेस्ट, टाइम वेस्ट। और चलो भाई अब ये दो रूम बचे हैं, अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर शायद मुझ कुछ हो मिल जाए भाई, कुछ कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए भाई। अबे भाई कुछ तो मिल जाए यार, कम से कम एक छोटा सा। अबे ये क्या है, अबे इलेक्ट्रिक कॉइल भाई, एक नहीं दो दो मिला है, मतलब कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ मिल गया है। और मुझे एक रूम और है भाई, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाई कार्टून बॉक्स है भाई। चलो इसको देख लेते हैं, सभी को ओपन कर लेते हैं एक एक करके। और यहाँ पर मुझे शॉवेल भी मिल गया भाई, वाह, घर के अंदर आना भाई बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा भाई। यहाँ पर मुझे दो नहीं तीन आइटम मिले भाई, दो इलेक्ट्रिक कॉल एक शॉवेल। तो अभी चलो शॉवेल को उठा लेता हूँ मैं, और फटाफट निकलता हूँ घर के बाहर, क्योंकि मुझे भाई अबे ये पेपर को नीचे फेंको यार, ये पेपर नहीं चाहिए मुझको। तो चलो ये पेपर को मैं फेंक देता हूँ नीचे, शॉवेल को उठाओ भाई, शॉवेल को उठा के भाई चलते हैं नीचे सीधे ग्राउंड में भाई। ये दो इलेक्ट्रिक कॉइल जो मुझको मिले हैं, ये फटाफट लगाना है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके बाद शॉवेल से वो कब्र की खुदाई करके जाना है नीचे की तरफ। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं सीधे ग्रैनी ग्रैंडपा तो नहीं ना है कहीं आसपास, नहीं भाई कोई नहीं है, रास्ता क्लियर है। चलो फटाफट ये दो मैं इलेक्ट्रिक कॉइल को पहले लगा देता हूँ, उसके बाद एक और इलेक्ट्रिक कॉइल ढूंढना है भाई। चलो ठीक है, ये इसको मैं ऊपर में लगा देता हूँ, उसके बाद एक और। अबे यार पहले इलेक्ट्रिक कॉइल तो हाथ में ले लूँ। तो चलो ठीक है, ये निकाला एक और इलेक्ट्रिक कॉइल, चलो इसको भी लगा दिया भाई। अब मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कॉइल चाहिए भाई, और एक रेंच चाहिए, वो भाई पैनल को ओपन करने के लिए, स्विच के पैनल को ओपन करने के लिए। तो चलो ठीक है, और मेरे पास शॉवेल भी है, तो चलो फटाफट चलते हैं उस कब्र के पास जिसकी खुदाई करनी है भाई, और अंडरग्राउंड तहखाने में जाना है। मुझे एक्स भी चाहिए, और हैमर भी चाहिए, और क्रोबार भी चाहिए भाई। अबे ग्रैंडपा उस तरफ घूम रहा है यार, मैं इस तरफ से नहीं इस तरफ से जाऊंगा भाई घूम के। अबे कहाँ से जाऊं यार, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मुझे उस तरफ जाना है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में।
तो आई थिंक मुझे यहाँ से निकल सकता हूँ मैं। चलो ठीक है, ग्रैनी ग्रैंडपा, अब ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों साथ साथ, चलो ठीक है भाई जाने दो उसको उस तरफ, जाने दो मुझे उस तरफ का काम नहीं भाई, मुझे यहाँ से जाना है और यहाँ पर मुझको मिलेगा एक टूटी हुई लकड़ी बाउंड्री भाई। तो चलो यहाँ से मैं शायद, यस ये रहा, चलो ठीक है भाई मिल गया है मुझको। अब फटाफट इसको निकालो शॉवल को और भाई यहाँ से खुदाई करो भाई। तो चलो ये खुदाई हो गया भाई, चलो ठीक है अब मेरा शॉवल का भी काम ख़त्म हो गया है। चलो इसको मैं फेंक दूंगा, पहले कुछ मिल तो जाए यहाँ पर कुछ काम का चीज़। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ है, चलो ठीक है फिर भी एक बार देख लूँगा इसको। यहाँ पर ये गेट बंद है भाई, इसका की मुझे मेरे पास नहीं है, तो इसके पीछे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसका की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस तरफ एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर शायद कुछ मिल जाए, कुछ तो मिल जाए भाई। नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ पर टोटली वेस्ट है। और अब मुझे यहाँ से फटाफट निकलो भाई, चलो 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 फटाफट फटाफट निकलो, फटाफट निकलो यहाँ पर एक बार। ये तो देख ही लिया हूँ मैं, और यहाँ पर से एक बार देख लेता हूँ, चलो ठीक है इसके अंदर में भी एक बार देख लेता हूँ भाई। ऐसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये क्या है पेपर, अबे यार कोड वोडो नहीं चाहिए मुझको, और ये सब क्या है यार। चलो ठीक है फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, फटाफट अब यहाँ से निकलो, कोई काम का चीज़ नहीं मिला है। अबे यार ये बैग के अंदर क्यों रख लिया यार, उसको फेंको नीचे। तो चलो इसको फेंक देते हैं नीचे भाई, अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से भाई, क्योंकि मेरा टोटली यहाँ पर आना वेस्ट हो गया। यहाँ पर कुछ भी मुझे काम का चीज़ नहीं मिला, तो चलो फटाफट निकलते हैं। हैमर रहता तो भाई ये दीवार को तोड़ के अंदर जा सकते थे। चलो ठीक है यहाँ से निकल गया हूँ मैं, और अब मुझे, अबे वेट मैंने तो वो देखा ही नहीं यार, जो नीचे में तहखाना वाला रूम था भाई, जो सीढ़ी के नीचे था। तो चलो उधर भी जाकर देखना है ना, मैं तो इलेक्ट्रिक कॉइल के चक्कर में मैं नीचे गया ही नहीं। तो चलो भाई वो एरिया भी देख लेता हूँ, क्योंकि ग्राउंड में मैंने देख लिया भाई कुछ भी नहीं था ग्राउंड में, और रूम के अंदर में भी सब चेक कर लिया हूँ। तो चलो घर के अंदर चेक कर लिया हूँ, बस यहाँ पर बचा हुआ है, इस एरिया को भी देख लेता हूँ। यहाँ पर भाई बहुत कुछ मिलने वाला है, मुझे लगता है मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइटम पड़े रहते हैं भाई। तो चलो ठीक है एक बार देख लेता हूँ भाई अच्छे से। यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारे रूम भी है अंदर, और यहाँ से मुझे शायद ये सारे बॉक्स भी खोलने हैं भाई। इसके लिए मुझे एक्स चाहिए, बिना एक्स के कुछ नहीं होगा, और ये भी लॉक है। चलो ठीक है, इसके अंदर से शायद मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना है भाई। चलो देख ठीक है एक बार देख लेते हैं। अबे खाली कुछ भी नहीं, चलो ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिल नहीं छोटा करना है भाई, बहुत कुछ मिलेगा भी। चलो हिम्मत नहीं आना भाई, यहाँ से शायद कुछ मिल जाए, ब्लैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कुछ है, वेट 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 वेट, कुछ तो है। अबे एक्स मिल गया भाई मुझे, और क्या चाहिए अभी। देखो फटाफट क्या क्या मैं तोड़ता हूँ यार, यहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूंगा भाई। ग्रैनी इतना मैं तोड़ फोड़ करूँगा, ग्रैनी आ जाएगी। चलो इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। इसको तोड़ो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो चलो भाई यहाँ से तो मैंने सब तोड़ फोड़ कर दिया है, अब अंदर, अभी यहाँ से नहीं यार, इस तरफ से मैं जाऊँगा अंदर की तरफ। यहाँ पर भी एक दो बॉक्स है, उसको भी फटाफट तोड़ता हूँ, इससे पहले कि ग्रैनी यहाँ पर आए भाई, मैं सब कुछ तोड़ देता हूँ। इसको भी तोड़ देता हूँ भाई, चलो फटाफट इसको तोड़ो 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 भाई, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा कभी भी यहाँ पर आ सकता है आवाज़ सुन करके भाई। चलो इसको भी तोड़ देते हैं, चलो फटाफट सभी लग सकता है, सभी बॉक्स टूट गया है, कुछ मिला काम का चीज़ कि नहीं मिला भाई। चलो एक बार देख लेते हैं सबको, क्योंकि सारे बॉक्सेस को मैंने तोड़ लिए हैं भाई, और हो सकता है कुछ काम का चीज़ मिला हो इसके अंदर। तो मैंने एक्स मिला था भाई, कुछ है नहीं इसके अलावा। तो चलो एक बार घूमते हुए मुझे निकल जाना है यहाँ से, और देख लेते हैं भाई कुछ तो काम का शायद मिल जाए मुझको। अभी कुछ भी नहीं मिला यार, ये सब बेकार है एकदम। चलो ठीक है अभी ये क्या, अभी गैसोलीन मिल गया भाई। चलो फटाफट निकलते हैं, अब यहाँ से गैसोलीन मिल गया है, एक्स और गैसोलीन मिल गया भाई यहाँ पर। अब चलो गैसोलीन मिल गया है, तो भाई चलो वो जनरेटर को ऑन करते हैं और फटाफट भागते हैं। अभी ग्रैनी यहाँ पे है भाई, ग्रैनी यहाँ पे, चलो फटाफट अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, भागो, क्योंकि ग्रैनी नीचे है, मतलब ग्रैंडपा भी नीचे ही होगा भाई, और मुझे जाना है सीधे जनरेटर के पास, क्योंकि गैसोलीन मेरे हाथ में है। तो चलो फटाफट हम गैसोलीन लेके चलते हैं जनरेटर के पास।
वहाँ से गैस जनरेटर को ऑन करके भाई गैस सारा पानी निकालेंगे बाहर, उसके बाद जाएंगे अंडरग्राउंड में भाई, वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना ही मिलना है भाई। वो बहुत सीक्रेट रास्ता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम का चीज़ मिलेगा ही, क्योंकि भाई मुझे अभी एक्स मिला है, अभी हैमर चाहिए। और चलो भैया जनरेटर के पास आ गया हूँ मैं, गैसोलीन इसको डालना है सबसे पहले। कहाँ गया गैसोलीन, चलो भाई ये निकाला गैसोलीन और इसको पिला दिया भाई, और जनरेटर को ऑन करो। अबे जनरेटर ऑन हो गया, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है भाई जनरेटर ऑन होने का। चलो देखते हैं, ओह सारा पानी निकल गया, चलो ठीक है भाई, चलो 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 सारा पानी निकल गया यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कि कुछ तो काम का चीज़ मिलेगा शायद। चलो ये खोलो, अबे कुछ नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर भाई ये, चलो ये क्या है, ये क्या है ऊपर में, इलेक्ट्रिक कॉइल। चलो भाई तीसरा वाला भी इलेक्ट्रिक कॉइल मिल गया है, और फटाफट मेरा भाई यहाँ पे आना सक्सेस हो गया है भाई। चलो ठीक है, इतना मेहनत किया गैसोलीन खोजा तो भाई कुछ ना कुछ तो काम का चीज़ मिल गया। चलो भाई इलेक्ट्रिक कॉइल फटाफट लगाता हूँ, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि ग्रैनी एंड ग्रैंड पर मुझे धप्पा बोले, मैं फटाफट निकलता हूँ, इलेक्ट्रिक कॉइल को लगाता हूँ भाई। तीन इलेक्ट्रिक कॉइल कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे चाहिए रेंच भाई एस्केप करने के लिए, या ट्रांसफार्मर एस्केप करने के लिए मुझे चाहिए। अब सिर्फ रेंच चाहिए भाई फटाफट, और रेंच कहाँ से मिलेगा भाई, ग्राउंड में तो है नहीं। एक मिनट, मुझे एक बार अच्छे से इस ग्राउंड को चेक करना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, चलो ठीक इसको अच्छे से लगा दो भाई। चलो भाई ये इलेक्ट्रिक पावर आ गया है ट्रांसफार्मर के थ्रू भाई, और रेंच मुझे कहाँ पर मिलेगा भाई, मुझे अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा सब चीज़ को। रुको भाई रुको, ये रहा वो इलेक्ट्रिक पैनल, यहाँ से मुझे रेंच से ढूंढ खोलना है इसको भाई। इसको खोलने के लिए यार मुझे पूरा ग्राउंड को छः घंटे के बाद चक्कर काटने के बाद फाइनली मुझे रेंच मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला भाई। ओह हालत ख़राब हो गई भाई ढूंढते ढूंढते इस रेंच को, कि मुझे कहीं पर नहीं मिला भाई, ये ग्राउंड में पड़ा हुआ मिला। तो चलो भाई अब फाइनली भाई ग्रैनी उस तरफ घूम रही है भाई, ग्रैनी को पहले इस तरफ मुझे बुलाना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही मैं वो पैनल को खोल सकता हूँ। तो भाई चलो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ये मेरा ट्रांसफार्मर एस्केप था भाई, आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये ट्रांसफार्मर एस्केप। चलो फटाफट इसको खोलते हैं, इसको भी खोलते हैं, इसको भी खोलते हैं, और इसको भी खोलते हैं, और फटाफट बटन प्रेस करो भाई। और देखो ये मेरा हो गया है ट्रांसफार्मर एस्केप। अभी भी भाई एक और एस्केप बचा हुआ, उसको भी मुझे कम्प्लीट करना है। तो चलो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।